हैदराबाद में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट को एक शिकायत मिली थी कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फकीरपुर मोहल्ले में एक लड़की को अपने घर में रखा जा रहा है जो कि उनकी है ही नहीं। आने वाले समय में इस बच्ची का भविष्य खतरे में है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने जांच कर पाया कि एक 3 साल की बच्ची घर में रह रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होना है। बच्ची के साथ आज परिवार बच्चों के साथ पहुँच कर पूरी कहानी सुनाई। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्ची को राजकीय शिशु गृह भेज दिया। शिकायत करने वाला बच्ची की बुआ का पति है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के फकीरपुर में रहने वाले आकाश ने बताया कि 17 मार्च 2016 को सुबह के समय टहलते हुए कूड़े के ढेर में सड़क किनारे 1 या 2 दिन की नवजात बच्ची पड़ी मिली थी। आकाश बच्ची को लेकर घर आ गया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थी। परिवार वालों ने कहा कि भगवान की देन है, तुम्हें इसकी परवरिश कर लो। मेरी पहले से ही एक बेटी और एक बेटा है। इसी बच्ची का नाम श्रद्धा रखा। मैंने अपने बाकी बच्चों की तरह श्रद्धा की भी परवरिश की। इस साल इस बच्ची का एडमिशन मैंने इंग्लिश मीडियम जेके बेलम पब्लिक स्कूल में कराया। मेरी बहन की शादी 6 साल पहले अरविंद से हुई थी, जिससे मेरी बहन का विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत पर आज हम बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश हुए, जो कि बालिक होने के बाद खुद उसकी मालकिन होगी। किशोर न्याय अधिनियम धारा 27 JJ एक्ट के तहत जिलाधिकारी इस समक्ष पेश होकर बच्ची लेने की अपील कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गुलजार अहमद ने बताया है कि MP वुमेन ट्रैफिक यूनिट को सूचना मिली थी कि सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में एक घर में बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है। नोटिस का संज्ञान लेकर आज बच्ची के साथ परिवार वाले बाल कल्याण समिति के सामने पेश हुए, जिसमें बताया गया कि बच्ची कूड़े के ढेर पर 1 दिन की पड़ी मिली थी, जिसका यह लोग पालन पोषण कर रहे थे। मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्चे का हित देखते हुए बच्चे को रामपुर के राज्य के शिशु गृह में भेज दिया गया है। आका जी, ये बच्ची जो आपके यहाँ से बरामद हुई है, कहाँ मिली थी और कब से आपके पास थी? आज से 3 साल पूर्व 17/3/2016 को सुबह के टाइम नीलगिरी रोड नई तहसील के पीछे मैं वॉक कर रहा था और आदर्श कॉलोनी से तहसील नीलगिरी की तरफ जा रहा था। अचानक से झाड़ियों की तरफ मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जो कि बच्चा एक कपड़े में पॉलिथीन के अंदर लिपटा हुआ था। तो मैंने पॉलिथीन को भी देखी, बच्चे की साजिश चली थी, जो कि बच्चे को लेकर मैं सीधा अपने घर गया। अपने माँ बाप से मैंने ये बात बताई, ऐसा ऐसा बच्चा मुझे मिला है और बच्चा स्वस्थ था और बच्चे की टोन भी नहीं कटी थी। उस बच्चे को मैंने घर में अपने पाला, उसे अपनी उस बेटी का दर्जा दिया और बेटी को मैंने एडमिशन कराया, उसे पाल पोस रहा हूँ, अपने बच्चों की तरह रख रहा हूँ। भविष्य में चलते मैं इसकी शादी कराऊँगा और अभी मैं इंग्लिश मीडियम में दार्जी के स्कूल में से पढ़ा हूँ।